राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे हरियाणा बिल्डर्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटली वेंटिलेटेड और स्पेशियस फ्लैट, 3 BHK फ्लैट जो कि लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ 110 गज में बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको नियरेस्ट मेट्रो द्वारका मोड़ रहने वाला है आपके वॉकिंग डिस्टेंस में ही। इसकी फ्रंट रोड की मैं बात करूँ तो आपको 20 फुट की रोड मिलने वाली है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मार्केट, ATM जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी किए मैं इस फ्लैट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम अपने फ्लैट के अंदर आ चुके हैं। एंट्रेंस में आप देख सकते हैं आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलने वाला है। आराम से अपना यहाँ पे एल टाइप सोफा पे प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक दोस्तों, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज 3D वॉलपेपर मिलता है, वॉशेबल रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलपेपर, आराम से इसको आप साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्प्लिट AC का कनेक्शन मिल जाता है। आप आराम से अपने ड्राइंग रूम में स्प्लिट AC लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों, अगर मैं इस तरफ आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको TV पैनल मिलने वाला है आपके ड्राइंग रूम में। TV पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन वर्क हमने एकदम क्वालिटी का कर रखा है। ठीक, आप थोड़ा गौर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट्स मिल जाती हैं। TV पैनल पे आपको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है दोस्तों, स्पेस की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको प्रॉपर स्टोरेज दी जाएगी आपके TV पैनल में। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे शानदार बात करूं आपके ड्राइंग रूम में तो हमारा वो फोर सीलिंग रहने वाला दोस्तों। फोर सीलिंग आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉपलेट्स यहाँ पे लगा के दी जा रही है। प्रॉपर यहाँ पे जो हमारा यूनिक वर्क रहने वाला है आपको देखने को मिलेगा। पंखे आप आराम से अपने फोर सीलिंग आराम से प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अपना ड्राइंग रूम देखा जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस रहने वाला है, अब मैं आपको लेके चलूंगा आपके कॉमन वॉशरूम की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने वॉशरूम के अंदर आ चुके हैं, आपको देखने लगते हैं नीचे हमारा जो टाइलिंग वर्क रहने वाला है नॉन स्लिपरी रहने वाला दोस्तों। प्लस मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉश बेसिन भी अवेलेबल रहेगा। वॉश बेसिन के ठीक नीचे आपको स्टोरेज भी अवेलेबल रहेगी, आप आराम से अपना वॉशरूम में सामान भी रख सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं पीछे बात करूँ हमारे टाइल वर्क की तो वॉल टू वॉल टाइल वर्क रहने वाला है दोस्तों। गीजर का यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाता है, गीजर आप आराम से अपना प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं सैनिटरी वर्क की बात करूँ तो हमने यहाँ पे जैगवार ब्रांड यूज किया है दोस्तों, आपको प्रॉपर सैनिटरी वर्क मिलेगा जैगवार का यहाँ पे। प्लस अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर फोर सीलिंग की बात करूँ तो फोर सीलिंग में भी दोस्तों हमने यहाँ पे वॉशरूम में कॉपलाइट्स यूज की गई है। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट प्लेस किया हुआ है आपके वॉशरूम में, तो आपको वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये हमारा किचन रहने वाला है, आप देख सकते हैं दोस्तों अपना जो किचन है पूरा एकदम स्पेशियस रहने वाला है। आपको किचन के आने से पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्रिज का मिल जाएगा स्पेस आराम से, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है एक फ्रिज कहाँ पे प्लेस करें फ्लैट में। तो दोस्तों आपको प्रॉपर यहाँ पे प्लेस दिया जाएगा फ्रिज के लिए, ऊपर यहाँ पे सॉकेट भी लग रखा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ किचन की, यहाँ पे ग्रेनाइट का पत्थर हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्वालिटी वर्क का, हाफ टाइलिंग वर्क हमने दोस्तों यहाँ पे कर रखा है ताकि आपकी दीवारें बिल्कुल भी गंदी ना हो। प्लस अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ किचन में तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरेज प्रॉपर मिलती है, किचन में प्रॉपर स्टोरेज मिलती है, आप आराम से अपना मसाला सामान जो भी रख सकते हैं यहाँ पे। अगर प्लस अगर मैं बताऊँ किचन में आपको दोस्तों यहाँ पे चिमनी रहने वाली है, चिमनी दोस्तों हम यहाँ पे लगा के दे रहे हैं आपको एकदम। प्लस अगर वेंटिलेशन की बात करूँ तो पीछे मेरा देख सकते हैं आपको यहाँ पे विंडो मिल जाता है, आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन रहेगी किचन में और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों।
यहाँ पे किचन में दोस्तों आपको यहाँ पे सिंक मिल जाता है, टैप्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे आपको अगर आपको अपना आरओ भी प्लेस करना है दोस्तों, आरओ के लिए भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे स्पेस दी गई, आप यहाँ पे अपना आरओ भी प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए सॉकेट भी अवेलेबल रहेगा दोस्तों। आपको नीचे भी प्रॉपर स्टोरेज मिलने वाली है, आपके किचन में भी स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली दोस्तों आपके किचन में। प्लस अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारे किचन की फोर सीलिंग की, तो यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिल जाएगा हमारा जो फोर सीलिंग वर्क है यहाँ पे यूनिक रहने वाला है, प्रॉपर वर्क रहने वाला है किचन में। तो जैसे कि दोस्तों आपने अपना किचन देखा, अब मैं आपको लेके चलूंगा आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अभी हम अपने फर्स्ट बेडरूम में चलेंगे जो कि बालकनी से हमारा अटैच रहने वाला है। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्रॉपर स्पेस मिलती है, आप आराम से अपना किंग साइज बेड यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद भी दोस्तों आपको वॉकिंग डिस्टेंस आराम से मिलने वाली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वॉलपेपर का काम कर रखा है, कस्टमाइज 3D वॉलपेपर रहने वाला है। ये भी दोस्तों हमारा वॉलपेपर जो है वॉशेबल रहने वाला है, आराम से इसको आप वॉश साफ कर सकते हैं। प्लस अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ आपके फर्स्ट बेडरूम में, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कवर्ड मिलने वाला है, देख सकते हैं आप प्रॉपर आपको स्पेस मिल रही है यहाँ पे कवर्ड पर आराम। तो स्टोरेज की तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपके फर्स्ट बेडरूम में भी दोस्तों। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो वेंटिलेशन के लिए ठीक आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपका फर्स्ट बेडरूम जो बालकनी से अटैच रहने वाला है, तो हमारा ये विंडो है बालकनी से अटैच रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपको विंडो एसी प्लेस करना है, उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस मिलती है, तो विंडो एसी का भी आपको कोई इशू नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं फर्स्ट बेडरूम में हमारी फोर सीलिंग की बात करूँ, तो फोर सीलिंग दोस्तों हमारा रहने वाला है, यूनिक वर्क यहाँ पे रहने वाला है। कॉप लाइट्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्रॉपर लाइटनिंग दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़ करके रखी है। तो जैसे कि अब आपने अपना फर्स्ट बेडरूम देखा, मैं आपको अब अपना बालकनी दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका फर्स्ट बेडरूम बालकनी से अटैच रहने वाला है, तो दोस्तों ये हमारी बालकनी रहने वाली है। ठीक मेरे पीछे अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फुल वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइलिंग वर्क मिलेगा। आपको यहाँ पे दोस्तों बालकनी में टैप मिलने वाली है, और टैप आप आराम से यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी प्लेस कर सकते हैं, कपड़े धोने की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सॉकेट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा दोस्तों आपकी वॉशिंग मशीन के लिए। तो अगर आप टाइल यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे भी फुल वॉल टू वॉल टाइलिंग वर्क करके रखा है, वाइट टाइल हमारे यहाँ पे रहने वाली है। ग्रिल दोस्तों स्टील की ग्रिल आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप आराम से यहाँ पे कपड़े अपने आराम से सुखा सकते हो, उसकी भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। अगर मैं बालकनी में भी दोस्तों फोर सीलिंग की बात करूँ, तो हमारे फोर सीलिंग यहाँ पे वुडन लुक में रहने वाली है। कॉप लाइट्स दोस्तों हमने अपने आपकी बालकनी में लगा के रखी है। तो जैसे कि आपने अपना फर्स्ट बेडरूम देखा जो कि बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है, अब मैं आपको लेके चलूंगा आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो आइए चलते दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला दोस्तों। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है आपको। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं आपको कस्टमाइज 3D वॉलपेपर मिलने वाला है, आराम से वॉशेबल है दोस्तों, आराम से आप साफ कर सकते हैं इसको। प्लस अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ठीक आपको कनेक्शन मिल जाता है, स्प्लिट एसी का कनेक्शन मिल जाता है, आप आराम से इधर अपना स्प्लिट एसी आराम से लगा सकते हैं आपके सेकंड बेडरूम में। स्टोरेज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो स्टोरेज के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे कवर दिया गया है, कवर भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज रहने वाली है, आराम से आप अपना जो भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं, स्टोरेज की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे आपके सेकंड बेडरूम में फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग में अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर वर्क रहने वाला है, हमारा यूनिक डिजाइन रहने वाला है, कॉप लाइटिंग और जो हमने लाइटनिंग का जो यहाँ पे काम किया दोस्तों, बहुत ही यूनिक रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि आपने अपना देखा सेकंड बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलूंगा आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा रहा मास्टर बेडरूम, आप देख सकते हैं हमारा मास्टर बेडरूम भी काफी स्पेसियस रहने वाला है, आप आराम से यहाँ पे भी दोस्तों अपना किंग साइज बेड प्लेस कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेरे यहाँ पीछे देखेंगे, तो आपको भी यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर वर्क मिलेगा, जो कि भी इजी टू वॉशेबल दोस्तों, आराम से दोस्त को साफ भी कर सकते हैं आप, इजी टू क्लीन। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलता है, विंडो एसी के लिए भी दोस्तों आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है, तो आपको आपके मास्टर बेडरूम में विंडो एसी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से प्लेस कर सकते हैं। ठीक मेरे दोस्तों लेफ्ट हैंड में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिलने वाला है। तो टीवी पैनल अगर आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पे वुडन वर्क रहने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ऊपर दोस्तों आपको शोपीस के लिए प्रॉपर स्पेस दी गई है, आप आराम से अपना शोपीस भी रख सकते हैं। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं दोस्तों, तो स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर स्लाइडिंग कवर्ड मिल जाता है दोस्तों, तो आप आराम से इसको स्लाइड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर स्टोरेज देख सकते हैं, प्रॉपर स्टोरेज आपको मिलने वाली है दोस्तों आपके मास्टर बेडरूम में। तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं मास्टर बेडरूम की दोस्तों अगर मैं बात करूँ फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग की भी दोस्तों आपको प्रॉपर यहाँ पे वर्क मिलने वाला है, लाइटनिंग आपको यहाँ पे पूरी एकदम यूनिक मिलने वाली है, कॉप लाइट्स दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़ किया अपने फोर सीलिंग में, तो आपको फोर सीलिंग का काम एकदम प्रॉपर वर्क यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं मास्टर बेडरूम में अगर अटैच वॉशरूम की आपको मैं दिखाऊं, तो आपको यह वॉशरूम रहने वाला है दोस्तों हमारा ये मास्टर बेडरूम का। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो टाइल वर्क रहने वाला है, अगेन यहाँ पे नॉन स्लिपरी टाइल वर्क रहने वाला है। पीछे दोस्तों मेरे यहाँ पे फुल वॉल टू वॉल टाइल वर्क रहने वाला है दोस्तों, सैनिटरी वर्क आपको प्रॉपर मिलेगा, सैनिटरी दोस्तों हमने यहाँ पे जैगवार ब्रांड का यूज़ किया है, और यहाँ पे आपको दोस्तों वॉश बेसिन मिल जाता है, यहाँ पे शीट अवेलेबल रहेगी, शावर रहेगा अवेलेबल दोस्तों आपको, और गीजर के लिए भी दोस्तों आपको कनेक्शन अवेलेबल रहेगा और सॉकेट अवेलेबल रहेगा। वेंटिलेशन की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जॉस्ट यहाँ पे लगाया गया है वेंटिलेशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपकी वॉशरूम में।
तो दोस्तों जैसे कि आपने अपना देखा 3 BHK फ्लैट जो कि 110 गज में बनके तैयार हुआ है लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ, द्वारका मोर मेट्रो स्टेशन से केवल दोस्तों ये वॉकिंग डिस्टेंस में रहने वाला है, ATM बैंकिंग और मार्केट की फैसिलिटी आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो बिल्डिंग रहने वाली है LIC अप्रूव्ड रहने वाली है, ओनली सिंगल यूनिट दोस्तों हमारे पास अभी ये रह गया है। तो इसीलिए हमारे स्क्रीन में दिए हुए गए नंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए और इसी तरह दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा फ्लैट आपको ये कैसा लगा। और इसी तरह मैं मिलूंगा आपको एक नए फ्लैट के साथ, तब तक राधे राधे।